आपको गायनेकोमिस्ट है वो पता कैसे चला? पहले तो मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ये फैट है ऐसा, मतलब फिर धीरे धीरे जो साइज बढ़ता गया तो मैं ऑनलाइन सर्च किया कि ये मतलब कोई प्रॉब्लम है कि क्या है। फिर पूरा मैंने आपका ये वीडियो देखा था, उसमें मुझे पता चला कि ये मतलब एक तरह की बीमारी बोल सकते हैं इसको। अब कितने टाइम से गायनेकोमेस्टिया से पीड़ित हो? मुझे पता चला उसको शायद 1.5-2 साल हो गया होगा कि ये मतलब गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं उसको, ये बीमारी है। गायनेकोमेस्टिया ट्रीटमेंट आप क्यों करवाना चाहते हो? ये थोड़ा बहुत तो ऐसा लगता है कि मतलब ऑकवर्ड फील होता है कुछ, कहीं पब्लिक प्लेस में आप अगर कपड़ा निकालना चाहते तो भी शर्म लगता है, फिर टी शर्ट वीशर्ट पहनते तो भी पूरा बाहर दिखता है, कभी कभी छूने पे पेन भी थोड़ा थोड़ा होता है इसलिए। डॉक्टर आशुतोष सर का रेफरेंस आपको कैसे मिला? आशुतोष सर का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें से मुझे सर के पास सर्जरी करवाने का रेफरेंस मिला। डॉक्टर आशुतोष की आपको अपॉइंटमेंट मिल चुकी थी? हाँ सर, फोन पे ही लिया था मैंने। आप तो वैसे जामनगर से हो तो सूरत तो काफी दूर है, तो आप जब भी कॉल करते थे और जैसे कंसल्टिंग आपका फोन पर ही हो जाता था, तो जो भी डाउट्स वगैरह लगते थे तो वो क्लियर होते थे बराबर से। हाँ, फोन पे पूरा डाउट्स एकदम क्लियर हो जाता था। और बीच बीच में कभी कभी ऐसे कॉल कर लेते थे तो रिस्पॉन्स कैसा मिलता था? रिस्पॉन्स एकदम फर्स्ट क्लास मिलता था, कभी भी सर मुझे मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बात के लिए बार बार फोन करना पड़ता था, ऐसा कभी नहीं। सर्जरी की आपको डेट मिल चुकी थी, हाँ सर, सर्जरी के दिन क्या माहौल कैसा था? सर्जरी के दिन मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि हॉस्पिटल में, पूरा घर जैसा माहौल था, टीम का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया था। सर्जरी के दौरान कुछ पेन या साइड इफेक्ट या ब्लीडिंग जैसा होने का चांसेस हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर्जरी के दिन और उसके बाद आपकी कैसे केयर ली गई थी क्लिनिक की ओर से? मतलब एक तरफ फैमिली जैसा ही लग रहा था, बहुत अच्छी तरह से केयर की गई थी मेरी। आपका ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ड्रेसिंग का एक्सपीरियंस भी एकदम बढ़िया था। सर्जरी के बाद और ड्रेसिंग के बाद क्या केयर लेनी चाहिए थी वो आपको डॉक्टर ने बराबर से समझाया था? हाँ, पूरी तरह से। आप पहले गायनेकोमास्टर लेकर घूम रहे थे, अभी नहीं है तो कैसा फील कर रहे हो? अभी एक तरह से समझ लीजिए कि मेरा दूसरा जन्म हो गया ऐसा लग रहा है, पूरा मतलब मैं पूरा माहौल ही चेंज हो गया मेरा लाइफ का पूरा भी। तो आपने जो निर्णय लिया था डॉक्टर आशुतोष सर के पास गायनेकोमास्टर ट्रीटमेंट करवाने का, तो वो क्या सही था? हाँ जी, अभी तो मुझे लग रहा है कि मेरा डिसीजन था वो बिल्कुल सही था। डॉक्टर आशुतोष सर ये गायनेकोमेस्ट के अलावा भी बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट है, लाइपोसक्शन है, ब्रेस्ट सर्जरी है, नोज सर्जरी है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में अगर कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी करना चाहते हैं तो किसी को रिकमेंड करना चाहोगे? हाँ, पूरी तरह से। डॉक्टर आशुतोष सर उसकी टीम को नेचर और यहाँ का एनवायरमेंट आपको कैसा लगा? बहुत मस्त, फैमिली जैसा ही लग रहा है पूरा। डॉक्टर आशुतोष सर और उसकी टीम को आप 5 स्टार में से कितना स्टार देना चाहोगे? पूरे 5। ओके सर, थैंक यू।